मित्रों, अयोध्या के न्यायप्रिय राजा और भगवान राम के पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी युवावस्था में गंभीर पाप किया था, जिसने अंततः उनके बाद के जीवन में होने वाली सभी त्रासदियों को जन्म दिया, जिसकी शुरुआत उनके प्रिय पुत्र राम को वनवास में भेजने से हुई। रानी कैकेयी के आदेश पर यह कहानी दशरथ के अतीत की उस दर्दनाक घटना को उजागर करती है जिसने उनसे जुड़े सभी लोगों की किस्मत बदल दी। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को। ये जानकारी इंटरनेट से लिया गया है और किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। मित्रों, दशरथ का जन्म कोसल राजवंश के राजा अज के घर नेमी के रूप में हुआ था। जैसे ही वह एक उग्र और प्रतिभाशाली युवा के रूप में विकसित हुआ, उसका नाम बदलकर दशरथ रखा गया, जो अपने रथ को 10 अलग अलग तरीकों से नियंत्रित कर सकता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब युवा दशरथ अपने राज्य के घने जंगलों में शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने गलती से एक इंसान को मार डाला, जिसे उन्होंने हिरण समझ लिया था। वह गर्मी की दोपहर थी जब कोसल राजकुमार शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों में अचानक हलचल सुनाई दी। देर हो रही थी और राजकुमार उस समय तक कुछ भी शिकार न कर पाने के कारण थोड़ा चिढ़ा हुआ था, इसलिए वह किसी भी जानवर को मारने के लिए बेताब था। उसने सोचा कि यह एक हिरण होगा जो गर्मी की गर्मी से राहत पाने के लिए निकटतम झील से पानी पी रहा होगा, और इसलिए बिना सोचे समझे उसने अपना तीर चला दिया और वह बहुत भयभीत हो गया। जब उसने दर्द की एक मानवीय चीख सुनी, वह एक इंसान था, कोई जानवर नहीं। और घटनाओं की विडंबना यह थी कि वह युवा श्रवण कुमार था जो अपने बूढ़े अंधे माता पिता को अपने कंधों पर लेकर जंगल में यात्रा कर रहा था। श्रवण कुमार की कथा से पूरी तरह नहीं तो दबी जुबान से हर कोई वाकिफ होगा। वह अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पित था कि उसने उन लोगों की सेवा करने के लिए अपनी सारी निजी खुशियां त्याग दी जिन्होंने उसे बिना शर्त प्यार और देखभाल के साथ खरीदा था। श्रवण अपने माता पिता को चरखी में अपने कंधों पर बिठाकर पैदल यात्रा कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, वह अपने बीमार माता पिता के लिए एकमात्र आशा थे और उनकी मृत्यु का मतलब उनके लिए दुनिया का अंत था। श्रवण अभी मरा नहीं था जब हैरान और डरा हुआ दशरथ उसके पास पहुंचा और उससे अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी। श्रवण अवाक था, अपने दुर्भाग्य पर स्तब्ध था, और उसने राजकुमार से अनुरोध किया कि वह उसके बूढ़े माता पिता को इस त्रासदी के बारे में सूचित करे क्योंकि वे उसका इंतजार कर रहे होंगे। दुखी दशरथ उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सका जिसे उसने गलती से मार डाला था, और इसलिए वह बूढ़े जोड़े को खोजने के लिए दिशा में चला गया। अपने बेटे की दुखद मौत की खबर पाकर अंधे दंपति छाती पीट पीट कर रोने लगे। उनके दुख और शोक में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तुरंत राजकुमार को श्राप दिया कि उसे भी अपने बच्चे से अलग होने की अनंत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो उसकी आंखों का तारा होगा, उसके अस्तित्व के लिए अभिशाप होगा। और वास्तव में नियति ने उन सभी वर्षों के बाद अपना क्रूर कार्ड खेला जब राजा दशरथ को अपने बेटे को उसके जन्म के अधिकार से वंचित करते हुए भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह अत्यंत पीड़ा रही होगी, एक पछतावे से पैदा हुई जिसे सुधारा नहीं जा सकता। जैसे मृत्यु सभी आशाओं का अंत है, जैसे श्रवण अपने माता पिता को अलविदा कहे बिना मर गया, वैसे ही दशरथ भी एक उदास अंधेरे कमरे में मर गया जहां उसने अपनी मुख्य पत्नी कौशल्या के सामने अपने सभी पाप कबूल किए और फिर अपने नाम के साथ मर गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं एक और वीडियो में, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।